देखिए, काफ़ी साल पहले तक सिर्फ मैन्युअली पोर्टफोलियो को ही एक एडवांटेज था, तब जाके कंप्यूटर या फिर इतने सॉफ्टवेयर स्किल नहीं थे सब लोगों के पास, और काफ़ी सारी कंपनीज जो होती थी उसमें स्पेशलाइज लोग होते थे जो आपके वर्क को कंप्यूटर या डिजिटाइज कन्वर्ट कर सकते थे, आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अभी अगर ऐसा होगा कि आप अगर किसी एज अ प्रोफेशन आप चूज़ करते हो फैशन इंडस्ट्री को और आपको जाना है उसमें या काम करना है, तो आपको डिजिटल पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं कि आप मैन्युअली कुछ भी मत बनाओ, आपको मैन्युअली पोर्टफोलियो बनाना या उसमें स्किल डेवलप करना तो नेसेसरी पार्ट है ही, लेकिन उसको कन्वर्ट करना, आपके काम को डिजिटलाइज कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। और ऐसा हो गया है कि अभी डिस्टेंस नहीं रहा। देखिए, अभी जो स्टूडेंट्स है वो अपनी सिटी को छोड़ के या स्टेट को छोड़ के, यहाँ तक कि अपनी कंट्री को छोड़ के बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली आपका जो हार्ड कॉपी है पोर्टफोलियो का वो नहीं भेज पाते हो, और उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती कई बार, तो वहाँ पे आपको डिजिटल पोर्टफोलियो ही भेजना होता है। चाहे वो आप एकेडमिकली भेजो या फिर प्रोफेशन कैटेगरी में भेजो, लेकिन आपको भेजने के लिए डिजिटल पोर्टफोलियो नेसेसरी पार्ट हो जाता है। हाँ, जब आपको कुछ सामने यानी इंटरव्यू में आपको बुलाया जाता है, तब आपको अपना मैन्युअली वर्क दिखाना होता है, आप उसको किस तरह से हैंडल करोगे वो भी समझाना होता है। तो ये अभी ऐसा हो गया है कि मैन्युअली पोर्टफोलियो और डिजिटल पोर्टफोलियो दोनों ही 50-50% वर्क करने लगे। जैसे कुछ साल पहले तक मैन्युअली पोर्टफोलियो को ज़्यादा एडवांटेज था, अभी एक तरफ देखा जाए तो दोनों ही इक्वल स्टेज पे है, और शायद कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद टोटली वो डिजिटल पोर्टफोलियो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक अच्छी बात है, अगर आप डिजिटल पोर्टफोलियो बना लेते हो अपने आप से, आपको सॉफ्टवेयर वालों में आपको कन्वर्ट करना आता है, आपको हर एक जो फॉर्म से उसकी PDF हो गए और डायमो सॉफ्टवेयर हो गया वो सब हैंडल करना आता है। लेकिन छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, 4 साल पहले की बात है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी, उसको सिंगापुर कॉलेज की लासा कॉलेज जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है, वर्ल्ड वाइज में भी इंटरनेशनल कॉलेज है वो, तो वहाँ पे एडमिशन लेना था उसको। तो तकरीबन मेरे पास वो कुछ महीने रही और उसने सारा का सारा हार्ड कॉपी वर्क यानी मैनुअली वर्क वो बनाया, और वहाँ पे वो बाय फ्लाइट पूरा का पूरे 11 कैनवास लेके गई। देखिए, कैनवास को उन्होंने मंगवाया था मैनुअली में यानी हार्ड कॉपी में मंगवाया था, ये 4 साल पहले की बात है। उन्होंने बताया कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको डिजिटल या कुछ भी वर्क नहीं लाना है, आपके हाथों से बनाया हुआ सारा का सारा काम लेके आना है। तो वो पूरा वर्क वहाँ पे लेके गई फ्लाइट में, वहाँ पे उन्होंने उसका इंटरव्यू लिया और उसको फिर एडमिशन दिया, क्योंकि ये आपने बनाया करके वो कैसे बनाया करके। और वहीं एक 2 साल पहले की बात है कि न्यूजीलैंड की कॉलेज थी, आर्किटेक्चर कॉलेज थी, तो वहाँ पे हमने जब पोर्टफोलियो भेजा तो यहाँ पे पूरा मैनुअली बनाया और उसको पूरा डिजिटल में कन्वर्ट किया, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप मैनुअली बनाओ और फिर उसको डिजिटल में कन्वर्ट करके फिर भेजो। तो ये एक बात हो गई कि वहाँ पे उसने पूरा पोर्टफोलियो यहाँ बनाया, फिर डिजिटल कन्वर्ट किया और फिर भेजा वहाँ पे, तो वहाँ पे भी वो सिलेक्ट हो गए। और पिछले साल की बात है कि ओहायो यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने आर्किटेक्चर के लिए ही अप्लाई किया था, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि आप 2-3 काम डिजिटल करके ही भेजेंगे, यानी ऐसा नहीं कि आप मैनुअली काम मत भेजो, तो मैनुअली करके उसको डिजिटल में कन्वर्ट करो और टोटली किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके आप डिजिटल काम भी भेजो। तो ये अपने क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है, आप किस कंपनी पर जाना चाहते हैं ये डिपेंड है, लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले जो फ्यूचर है वो उसमें डिजिटल वर्क का काम जो है वो ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाएगा। तो बेटर है अभी से आप स्टार्ट कर दो डिजिटल होने, आप जो काम करोगे वो आप हार्ड कॉपी या मैनुअल में तो करोगे, लेकिन उसको कन्वर्ट करना या टोटली डिजिटलाइज होना अच्छी बात रहेगी आपके लिए।